नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल के सिटी थाना से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि बीते महाशिवरात्रि वाले दिन दो गुटों के बीच में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है। दीपक जो कि करनाल के ही श्याम नगर का रहने वाला था, और वहीं दूसरी ओर करनाल पुलिस ने इस संदर्भ में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम डेविड नवीन और तीसरे का नाम जो है अर्जुन बताया जा रहा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल जिले की दिखा रही हैं, जहां पर बीते शिवरात्रि वाले दिन दो गुटों के बीच में झगड़ा होता है और इस झगड़े में दीपक नामक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसकी उम्र करीब 22 से 23 साल बताई जा रही है। इस विषय में सिटी थाना SHO से बात करेंगे, पूरी जानकारी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप जरूर देखिएगा। शिवरात्रि के दिन एक FIR दर्ज हुई थी अंडर सेक्शन 302, 323 और 34 IPC। इसमें डिसीज था दीपक और एक और लड़का था इसमें राहुल, उसको बैक में इंजरी थी और जो दीपक है इसकी इसमें मृत्यु हो गई थी। जो दीपक का छोटा ब्रदर है सूरज, उसकी कंप्लेंट पे हमने नवीन और डेविड है, और इनकी जो पूछताछ में आया है, जो प्रिलिमिनरी पूछताछ है, इसमें चार व्यक्तियों का और नाम आया, उनको भी हम जल्दी जल्दी अरेस्ट करें। रंजिश क्या थी सर, क्या वजह? रंजिश यही थी, शिवरात्रि का दिन था, वो नाचने को लेके कुछ इनका वहाँ पर आपस में झगड़ा हो गया डेविड का और जो दीपक था। उसके बाद फिर जो इसके जो फ्रेंड थे अपना, इसके डेविड के जो फ्रेंड थे, वो मौके पर आ गए। उनमें से अर्जुन ने, जो मोगली है, इसने इसको चाकू मार दिया, और जो राहुल है उसको भी चाकू मार दिया। क्या क्या कौन कौन से एरिया से हैं सर जो तीनों पकड़े गए हैं? ये जो अर्जुन है तो डेहा बस्ती का रहने वाला है, नवीन है चांसराय का, और ये जो डेविड है ये जुंडला गेट का रहने वाला है। सर, जब मौत हुई थी कोई भी निशान नहीं था, तो बाद में पता चल पाया था किन कारणों से मौत हुई है? हाँ, वो उस टाइम तो पता नहीं लग पाया था क्योंकि उसके बाहर ब्लड नहीं था, लेकिन जब बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी पीठ में एक जो शार्प वेपन है उससे उसका वो था। जो डॉक्टर ने बताया कि ब्लड बाहर नहीं आ पाया, वो अंदर ही जो ब्लीडिंग हुई उसी ब्लीडिंग से इसकी डेथ। तो कुल 7 आरोपी हैं इसमें? हाँ जी, अभी जो इनकी शुरुआती पूछताछ में 4 आरोपियों के उन्होंने नाम और बताया, उनको भी जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर इसमें दोस्त सर मरने वाला और जो आरोपी? दोस्त तो नहीं, आपस में जानते जरूर है। क्या काम करते सर आरोपी? और कुछ नहीं जी, अपना दिहाड़ी बना हुआ। रंजिश थी सर, क्या नाम? रंजिश कोई नहीं थी, नाचने को लेकर इनका वहाँ झगड़ा हो गया शिवरात्रि वाले दिन, उसको लेके वहाँ पर इकट्ठे हो गए, दोनों पार्टियाँ इकट्ठी हुई थी, आपस में इनका झगड़ा हो गया। क्या करेंगे जी? बस इनको आज कोर्ट में पेश करेंगे, इनका रिमांड लिया जाएगा, जो रिकवरीज हैं से रिकवरीज करेंगे। सर, ये आपस में पहले से एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। इससे पहले इनका झगड़ा हुआ सर? नहीं, अभी तक कोई ऐसी जानकारी आई। आरोपी कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है इनका? आरोपी रहने वाले हैं जी चांदसराय के, जो आज अरेस्ट हुए हैं, एक देहा बस्ती का, एक जुंडला के। नाम क्या है? इनका नाम है अर्जुन है, एक का नाम नवीन है और एक का नाम डेविड है। उसका नाम जो डिसीज है इसमें दीपक है, और एक इसमें राहुल उर्फ गोलू है, उसको भी वो भी इंजर्ड है, गंभीर है। कितनी है सर किसकी? इनकी जो मरने वाला है, जो मरने वाला इसकी एज है 22-23 साल, और जो मारने वाला ये भी 23 साल की उम्र है। सर, उस घर में हमने नशा किया हुआ था? नहीं, ऐसी कोई भी बात जानकारी सामने।